आज हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जिन्होंने पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ना है उसके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है? देखो, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कब आता है, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कब आती है प्रोबेबिलिटी। जब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिनकी आउटकम के बारे में हम श्योर नहीं है, जिनकी आउटकम के बारे में हम श्योर नहीं है। जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करें, वी आर नेवर श्योर कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन केसेस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। और जो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, जो उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनको अगर इकट्ठा करके एक सेट में डाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ओके, सबसे पहला इसका एक एग्जांपल, इन अ टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक सिंगल कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस एस में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? या तो हेड आएगा या हमारा टेल आएगा। इज इट ओके? नाउ फर्दर, इफ वी टॉस टू कॉइंस, जब आपके पास टू कॉइन टॉस करेंगे इकट्ठे, तो क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड आ जाए, या पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल आ जाए। यानी कि जब एक कॉइन था तो हमारे पास दो केस बने, टू। अगर हमारे पास दो कॉइन है तो टू इंटू टू फोर केस बने, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर केसेस। अगर हमारे पास थ्री कॉइन्स होंगे तो एक बार फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे एट केस बनेंगे, अगर थ्री कॉइन्स हैं। अगर हमारे फोर कॉइन्स हैं फिर दो से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे 16 केसेस बनेंगे। इस तरह कॉइन्स के केसेस में केसेस टू से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, हमेशा टू इंटू करते जाना है आपने। अगर थ्री कॉइन्स हैं तो जो ये एट केसेस बनेंगे कैसे बनेंगे? या तो पहली बार तीनों पे हेड आ जाएगा, या सेकेंड टाइम दो पे हेड आएगा और तीसरे पे टेल आएगा। अब ये दो जो हेड आए हैं ये जरूरी नहीं कि सबसे पहली बार ही आ जाए, ऐसे भी हो सकता है पहली बार हेड आए फिर आखिरी बार हेड आए, बीच में टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर लास्ट में दो बार हेड आ जाए। इसी तरह दो टेल वाले केस होंगे जिसमें दो टेल्स आ रही है, वो ये तीन केस बनेंगे और लास्ट में तीनों के तीनों टेल्स आ जाए। इस तरह हमारे पास एट केसेस बनेंगे। इसी तरह आपने फोर पॉइंट्स वाले 16 केस बना के देखे हैं। Now we have example fifth, in a die. Die में क्या होता है, जब आप कोई भी die throw करते हो तो हमारे पास 6 तरह के cases आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 ऑप्शन होती है die में, तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो there are 6 cases. अगर हम टू डाइस को इकट्ठा थ्रो करें तो हमारे पास कितने केस बनेंगे? इसका तरीका जैसे मैंने कॉइन में किया था, टू इंटू टू इंटू टू किया था, तो डाइस में सिक्स इनटू सिक्स करते जाना है आपने। अगर आपने टू डाइस थ्रो करी है, एक डाई में सिक्स केसेस होते हैं, तो दो डाइस है तो सिक्स इनटू सिक्स 36 केस बनेंगे। अगर वो बोले कि थ्री डाइस आपने थ्रो की है तो केसेस बनेंगे 6 × 6 × 6, दैट इज 216। अब ये 36 केस ये जो है हमें इसने यहाँ पे दिखाने कैसे बनेंगे, तीस ज्यादा 36 केसेस कैसे हो सकता है? पहले पे वन आए, दूसरे पे भी वन आए। अब वन फिक्स कर लो कि पहले पे वन ही आना है, अब दूसरे पे टू भी आ सकता है, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, या पहले पे टू आ गया, टू को फिक्स कर दिया पहले पे, तो सेकंड पे वन आ सकता है, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसी तरह थ्री फिक्स करके 6 केस बन जाएंगे आपके, फिर फोर के साथ 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, इस तरह आपके 36 केस बनेंगे। हर एक बारी आपको एक नंबर फिक्स करके दूसरे नंबर की डाई को नंबर चेंज करने हैं। ओके जी, ये तो था सैंपल स्पेस के बारे में कैसे। हाँ जी बेटा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स वी सिलेक्ट टू चिल्ड्रन। हमारे पास उसने थ्री बॉयज दिए हैं, टू गर्ल्स दिए, टोटल फाइव हो गई, तो आपने उसमें से टू सिलेक्ट करने हैं। जब भी सिलेक्शंस करनी होती है तो आपको यूज करना होता है कॉम्बिनेशंस। तो वी हैव फाइव सी टू वेज,
तो 5 से 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 10 वेज आएंगे। 10 वेज कैसे बनाने हैं? 3 बॉयज हैं आपके पास, उनको B1, B2, B3 मान लीजिए, और 2 गर्ल्स हैं उनको G1, G2 मान लीजिए। तो केसेस कैसे बनेंगे? पहले बॉय के साथ सेकंड बॉय की कॉम्बिनेशन, पहले बॉय के साथ सेकंड थर्ड बॉय की कॉम्बिनेशन, पहले बॉय के साथ गर्ल की कॉम्बिनेशन, पहले बॉय के साथ सेकंड गर्ल की कॉम्बिनेशन, तो ये आपके केस बन जाएंगे। फिर आपने सेकंड बॉय के साथ उसकी नेक्स्ट बॉय के साथ कॉम्बिनेशन बनानी है, उसकी गर्ल के साथ और सेकंड गर्ल के साथ। इसी तरह अगर थर्ड बॉय लोगे उसकी G1, G2 और लास्ट में दोनों गर्ल्स की कॉम्बिनेशन, इस तरह 10 कॉम्बिनेशंस बनेगी। कॉम्बिनेशंस का यहाँ मतलब है कैसे आपने ये चिल्ड्रन चूज करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोस हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। हमें वो कहता है कॉइन टॉस करना है, अगर आपका हेड आ जाता है तो आपने बॉल चूज करनी है। बॉल कितनी है? 3 ब्लू है और आपके पास बेटा 4 व्हाइट है। ओके जी, तो कैसे बनेगा केस? हेड, अगर हेड आता है तो बॉल चूज करनी है, हेड के साथ बॉल 1 हो सकती है, B2 हो सकती है, B3, तीन केस ये हो गए ब्लू बॉल वाले, हेड के साथ 4 केस व्हाइट बॉल के हो गए। आगे बोलते हैं अगर वो टेल आ जाए, वी थ्रो अ डाई, टेल के साथ आपने डाई के 6 केस लिखने हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, सो ऑन। हमारे पास है डेफिनेशन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। जो हमारा सैंपल स्पेस है उसकी जो आउटकम्स है उसी को हम इवेंट बोलते हैं। जैसे किसी वन कॉइन में अगर हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है, तो इसकी 4 इवेंट्स बन सकती है, या तो ओनली हेड आए, या ओनली टेल आए, या बोथ आए, या कुछ भी ना आए, तो दीज आर इवेंट्स। अगर किसी इवेंट में सिंगल एलिमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट, अगर किसी इवेंट में ज्यादा एलिमेंट्स हो एक से ज्यादा तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन हो, जैसे भी व्हेन वी रोल अ डाई इफ वी गेट अ ऑड नंबर और इवन नंबर। हमारे पास मान लिया कि एक इवेंट है ऑड नंबर की, एक इवेंट है इवन नंबर की, तो ऑड नंबर में 135 आएगा और इवन में आएगा 246, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, एंड वी से दैट these events are mutually exclusive events. Further we have exhaustive events. Exhaustive events का मतलब होता है ऐसे events अगर उनको हम club कर दें, इकट्ठा कर दें, तो उनकी union जो होती है वो sample space के equal हो जाती है। ठीक है जी, अगर हम die में roll करते हैं तो हमारे पास single single event क्या होती है, single 1 आ सकता है, या single 2 आ सकता है, या single 3, 4, 5, 6। जब इन सभी के union करेंगे तो we will get a sample space। और इनमें ये खासियत होती है कोई भी दो जो इवेंट्स हैं आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होएगा। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू। एक एग्जांपल देखिए इवेंट्स के ऊपर बेस्ड। वी हैव अ रोल्ड अ डाई, ए इज अ इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड बी इज अ इवेंट गेटिंग अ ऑड नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ए और बी निकालिए। ए और बी का मतलब है प्राइम नंबर या ऑड नंबर। प्राइम नंबर का आपको पता ही है 1 2 3, कोई डाई है टोटल किसी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर क्या-क्या होंगे, 2 3 5 जो किसी से डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर 1 3 5। और ये और का मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनियन का साइन, तो दोनों को क्लब कर दीजिए, ये आपकी ए और बी इवेंट बन गई। इसी तरह ए एंड बी में मतलब होता है आपको, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो चीज कॉमन है वो लिख लीजिए। ऑब्वियसली 3 एंड 5 आर कॉमन। A but not B. A but not B का मतलब है कि जो A है उसमें से B वाले निकाल दीजिए। A मेरा है prime numbers, B मेरा है odd number. तो A में से B वाले 3 और 5 cancel हो गए, रह क्या गया मेरा? 2. Not of A. Not of A का मतलब होता है complement of A. Complement of A का मतलब होता है sample space में से उस set की events निकाल दो जिसका not करना है। तो sample space मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, A मेरा है 2, 3, 5. तो 2, 3, 5 को छोड़ के क्या बचता है? 1, 4, 6. Now we have an axiomatic approach to the probability. Axiomatic approach to probability का मतलब होता है कि इसमें probability की event जो होती है, किसी भी event की probability हमेशा 0 से बढ़ती बढ़िया होती है। Total probability of sample space 1 होती है। अगर दो events mutually exclusive हैं, तो अगर उनकी probability निकालनी है, probability of A union F, that is simply probability of E plus probability of F हो जाएगा। Okay जी, ये axiomatic approach है। आगे हमारे पास formula है, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका ये फार्मूला है।
फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर उसकी आएगी फेवरेबल, जो उसके फेवर में है, जो उसके बारे में बात कर रही है, नीचे टोटल इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। दिस इज द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़े होती है, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आता और हमेशा इसका आंसर वन से छोटा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, थ्री कॉइंस आर टॉस्ड वंस। तो जब थ्री कॉइंस टॉस करते हैं तो मैंने आपको बताया था एट केसेस बनते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं एट केसेस। ठीक है जी, टोटल आउटकम्स आर एट, टोटल आउटकम्स आर एट हियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स। तो पहला पार्ट है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी जहां पे थ्री हेड्स आए। तो आपको देखो इसमें सिर्फ तीन हेड वाला एक ही केस है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे, वन। थ्री हेड्स वाला एक ही केस है जिसे हमें चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने केस इसके फेवर में है वन अपॉन टोटल केसेस एट। ओके जी, सेकंड पार्ट में टू हेड। अब टू हेड वाले केस कौन से, ये केस है, ये केस है, ये केस है, तो तीन मेरे फेवर में हो गए इसके टू हेड के अपॉन टोटल एट। तो फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आपने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस काउंट करने हैं, डिवाइड करना है उनको टोटल नंबर से भाई। ठीक है जी, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब होता है बेटा, इसको पहले रेस कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब होता है कम से कम टू हेड्स आए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो कौन से केसेस बनेंगे एटलीस्ट टू हेड में, देखिए ये तीन केस तो हो ही गए जिसमें दो हेड आ रहे हैं, एक केस ये वाला हो गया, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो दीज आर द फोर केसेस। ओके, तो यहाँ पे फोर केसेस है, टोटल हमारे एट है, तो फोर अपॉन एट करके आपका आंसर आ गया। अगला पार्ट, अगले में हमें उसने दिया है एट मोस्ट फोर हेड्स। फोर्थ पार्ट में एट मोस्ट टू हेड्स, सॉरी एट मोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम टू हेड्स लेने हैं, उससे कम भी लेने हैं, एक हेड भी हो सकता है, जीरो हेड भी हो सकता है। तो देखो ये वाले केट बनेंगे, दो हेड वाले केस हो गए, और जिसमें सिंगल सिंगल हेड है, और जिसमें कोई भी हेड नहीं है। काउंटिंग में सेवन केसेस हो गए डिवाइड बाय एट, क्योंकि टोटल हमारे आठ केसेस हैं। दो हेड का मतलब कोई भी हेड नहीं, यानी कि ट्रिपल ट्रिपल टेल। एक केस फेवर है, टोटल एट है, तो वन बाय एट प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह आप बाकी पार्ट्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप लोगों को पता है, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब ये जो कार्ड्स होते हैं इसमें फोर तरह के सूट्स होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सूट्स इन द कार्ड्स। 13 कार्ड्स आर ऑफ हार्ट एंड 13 कार्ड्स ऑफ आर डायमंड, बोथ आर ऑफ रेड कैटेगरी। इसी तरह क्लब और स्पेड 13 13 होते हैं एंड बोथ आर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, यानी कि जो 26 कार्ड है वो आपके हार्ट एंड डायमंड के होंगे रेड कार्ड, और जो ब्लैक कार्ड है वो क्लब एंड स्पेड के होंगे। ओके जी, इसी तरह बेटा हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड चार तरह के होते हैं, किंग, क्यून, एस एंड जैक। किंग में जो चार कार्ड होते हैं उसमें दो होते हैं रेड दो ब्लैक, इसी तरह क्यून में दो रेड दो ब्लैक। ये जो एचडी का मतलब है एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का, चारों में एक जैसे ही होते हैं। ठीक है जी, तो कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर आते हैं। आगे देखिए एक प्रॉब्लम हमारे पास, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमने 52 कार्ड में से वन कार्ड निकाला, टोटल हमारे पास कितने केसेस हो गए 52। पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड। अभी मैंने आपको बताया डायमंड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो पहले लिख लीजिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका नंबर लिख लो कि इसके इतने केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, ऊपर उसके फेवर में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। 13 मेरे फेवर, 13 मेरे फेवर में है डायमंड, टोटल 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई 1/4। नंबर ऑफ एसेस, एसेस कितने होते हैं 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी, फेवर में 4 है, टोटल कितने 52, कैंसिल करके 1/13 आ गया। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, 26 अपॉन 52, मतलब कि प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ऊपर उसके नंबर लिखिए जो उसकी फेवर में है, डिवाइड बाय टोटल नंबर, दिस इज द ओनली वे। आगे आ गया नंबर ऑफ कार्ड्स व्हिच आर नॉट डायमंड्स, जो डायमंड्स नहीं है, टोटल 52 कार्ड है उसमें डायमंड कितने हैं 13, तो 52 में से 13 निकाल दो, 39 जो कार्ड ऐसे हैं
जो नॉट डायमंड्स हैं, तो नॉट डायमंड वाले 39 हो गए डिवाइड बाय 52, तो ये इसका आंसर आ गया। नॉट एस, नॉट एस का भी मतलब है चार एस होते हैं, फोर एस, उसको 52 को 4 में से माइनस कर दो, बाकी क्या बचे, नॉट एस 48 डिवाइड बाय टोटल नंबर। नॉट अ ब्लैक कार्ड, सिमिलरली अगर ब्लैक कार्ड 26 है तो नॉट ब्लैक कार्ड कितने हो गए, 26 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट किया है सैंपल स्पेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए इवेंट्स का, कि इस इवेंट में इतने टोटल केस हैं। जब तक आपको टोटल केस नहीं पता, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कीजिए जो बुक्स में अवेलेबल है, एग्जांपल्स कीजिए। फिर आप प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नोट कीजिए कि कार्ड्स कितने तरह के होते हैं, उसको नोट कीजिए नोटबुक पे। आफ्टर दैट उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।